नमस्कार, मैं प्रज्ञा धरदत्त, इस खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा राज्य के विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों और परीक्षा नियंत्रकों को यह दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि 75% से कम हाजिरी होने पर विद्यार्थियों को परीक्षा फॉर्म भरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर विभाग के पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली समीक्षा में भी उक्त आदेश का अनुपालन हो रहा है या नहीं, इसकी जाँच कर रहे हैं। बता दें कि विभाग की ओर से सभी विश्वविद्यालयों से बिना सूचना के लगातार अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों के नाम काटे जाने से संबंधित रिपोर्ट तलब की गई है। बिहार विधानसभा में गुरुवार को आरक्षण संशोधन विधेयक पास कर दिया गया है। बिहार विधानसभा में दोपहर 2 बजे कार्यवाही शुरू होते ही 75% आरक्षण संशोधन विधेयक सर्वसहमति से पारित हो गया। दरअसल नीतीश सरकार ने बिहार में जातिगत आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 65% करने और आरक्षण 75% तक ले जाने का फैसला लिया था, जिसके बाद आज विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक पेश किया गया था, जिसे सभी सदस्यों की सहमति से पास कर दिया गया। सुरक्षा रणनीति तैयार करने के लिए अलग अलग एजेंसियों ने अपने इनपुट देने शुरू कर दिए हैं। वजह साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के मुताबिक भारत सरकार सभी पहलुओं को मजबूत कर राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी के विजन को पूरा करने में अहम कड़ी थी। दरअसल राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में कटिंग एज अधिकारियों, यानी जिन अधिकारियों ने अपने अपने डिपार्टमेंट में बेहतरीन जाँच की है और आरोपियों को सजा दिलवाई है, उनका अहम योगदान रहेगा। ब्रिटेन सरकार ने भारत को सुरक्षित देशों की विस्तारित सूची में शामिल करने की योजना पेश की है, जिससे देश से अवैध रूप से यात्रा करने वाले भारतीयों की वापसी की प्रक्रिया तेज हो जाएगी और ब्रिटेन में शरण मांगने की उनकी संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। बुधवार को हाउस ऑफ कॉमन्स में रखे गए मसौदा कानून में भारत और जॉर्जिया की सूची में जोड़े जाने वाले देशों के रूप में शामिल किया गया है। ब्रिटेन के गृह कार्यालय ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य देश की आवर्जन प्रणाली को मजबूत करना और सुरक्षा संबंधी निराधार दावे करने वाले लोगों को प्रणाली का दुरुपयोग करने से रोकना है। वेतरन एक्ट्रेस जयाप्रदा मुश्किलों में फंसती नजर आ रही है। दरअसल एक्ट्रेस और रामपुर की पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ कोर्ट ने MBW गैर जमानती वारंट जारी किया है। मामला साल 2019 का है। दरअसल पूर्व सांसद व एक्ट्रेस जयाप्रदा के खिलाफ साल 2019 लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान एक मामला दर्ज हुआ था। उन पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगा था। यह मामला रामपुर की MP MLA कोर्ट में विचाराधीन है। इस मामले में जयाप्रदा पिछली कई तारीखों से कोर्ट में हाजिर नहीं हो रही थी, जिसको देखते हुए कोर्ट ने जयाप्रदा के खिलाफ MBW वारंट जारी किया था। बिहार विधानसभा में गुरुवार को बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का एक अलग रूप देखने को मिला। दरअसल बिहार विधानसभा स्थगित होने के बाद जैसे ही दोपहर में फिर से सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो अध्यक्ष के साथ साथ सदन के अन्य सदस्यों ने तेजस्वी यादव को जन्मदिन की बधाई दी। इस दौरान बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने कहा कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को मैं अपने और पूरे सदन की ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। तेजस्वी यादव अपने कार्य और व्यवहार से राज्य और देश के विकास में अपना योगदान दें। मैं उनके उज्जवल भविष्य और दीर्घायु होने की मंगल कामना करता हूं। भारत की सीमाओं को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए सीमा सुरक्षा बल में 599 नए रंगरूट बहादुर जवान शामिल हुए। पूर्वी और दक्षिण भारत के रहने वाले इन प्रशिक्षु जवानों ने अपनी 44 हफ्ते की कठिन ट्रेनिंग को पूरा कर लिया है। उनके शामिल होने पर कश्मीर के हुमहामा में सीमा सुरक्षा बलों के सहायक प्रशिक्षण केंद्र में खुशी का माहौल देखा गया। यह सभी जवान गुरुवार को पासिंग आउट परेड और वेरिफिकेशन समारोह के साथ सीमा प्रहरी के रूप में BSF का हिस्सा बन गए। 114 से 118 बैच के जवानों में 204 ओडिशा, 208 आंध्र प्रदेश, 112 केरल और 75 जवान तेलंगाना से संबंध रखते हैं। बिहार के पूर्व सीएम सीताराम मांझी ने कहा है कि नीतीश कुमार अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। मांझी ने कहा कि आज नीतीश कुमार की मनोदशा और दिमाग को देखकर दुख हो रहा है। मांझी ने कहा कि मैं सदन में उनसे सीनियर हूं, लेकिन नीतीश कुमार ने सदन में मुझे अनाप शनाप कहा। नीतीश कुमार कहते हैं कि मैंने मांझी को सीएम बनाया, लेकिन ये सब जानते हैं कि 2014 के चुनाव के बाद क्या हुआ। नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश कुमार पहले महिलाओं और अब दलितों का भी अपमान कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को उन दावों को लेकर सफाई जारी की है, जिसमें ऐसा दावा किया जा रहा था कि इजराइल 1 लाख से ज्यादा भारतीय श्रमिकों को काम पर रखना चाहता है। इस बारे में भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हम अपने नागरिकों को दुनिया भर में की जगहों पर पहुंचने की दिशा में काम कर रहे हैं। हम इसे लेकर कई सारे देशों के साथ समझौता करने की कोशिश को लेकर चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन यह एक दीर्घकालिक पहल है। जैसा कि मैंने कहा, मुझे इस तरह का कोई भी जानकारी नहीं मिला है। ओंटारियो नियोक्ताओं को कनाडाई कार्य अनुभव मांगने पर प्रतिबंध लगाने और प्रांतीय आवर्जन पात्रता में ढील देने की उम्मीद कर रहा है, ताकि 1 साल के कॉलेज कार्यक्रम से अंतर्राष्ट्रीय स्नातक स्थायी निवास के लिए अर्हता प्राप्त कर सके। प्रस्तावित बदलाव अगले साल प्रभावी होने की उम्मीद है और यह उस कानून का हिस्सा होगा जिसे प्रांतीय सरकार अगले सप्ताह की शुरुआत में पेश करने की योजना बना रही है। 1 दिसंबर से 30 से अधिक व्यावसायिक और पेशेवर लाइसेंसिंग निकायों को लाइसेंसिंग में कनाडाई कार्य अनुभव आवश्यकताओं को उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। नौकरी पोस्टिंग और आवेदन प्रपत्रों में नियोक्ताओं के खिलाफ इसी तरह का प्रतिबंध लगे लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण रोजगार बाधा को दूर करने के लिए है।
उत्तर प्रदेश में प्राइमरी टीचर की भर्ती को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को बड़ी राहत देते हुए 12,460 असिस्टेंट टीचर के चयन प्रक्रिया को रद्द करने के फैसले को खारिज कर दिया है। बता दें कि यह मामला साल 2018 से पेंडिंग था। इस फैसले के बाद हजारों युवाओं को राहत मिलने वाली। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद उक्त भर्ती के क्रम में बचे हुए 6,470 पदों के लिए कॉमन मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया गया। हाईकोर्ट ने कहा है कि इन पदों के लिए 3 माह के भीतर राज्य सरकार नियुक्तियां कर ले। अलीगढ़ से गिरफ्तार किए गए ISIS के पुणे मॉड्यूल के संदिग्ध अब्दुल्ला अरसलान और माज बिन तारिक को UPATS ने 6 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ में स्टूडेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी SAMU के नाम से बने ग्रुप के बारे में जानकारी जुटाना बेहद अहम है। केमिकल अटैक की कोशिश में जुटा ISIS का पुणे मॉड्यूल बेहद खतरनाक मंसूबों के साथ काम कर रहा था। इस पुणे मॉड्यूल में पेट्रोकेमिकल इंजीनियर से लेकर PhD कर चुके नौजवान तक स्वयं कट्टरपंथ की तरफ से जा रहे थे और ISIS की शपथ ले चुके थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार खंडेलवाल से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान अनिल कुमार खंडेलवाल ने CM नीतीश कुमार को बिहार राज्य की महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं, यात्री सुविधा और रेल विकास से जुड़े रेल की विभिन्न योजनाओं की प्रगति से अवगत कराया। साथ ही रेलवे द्वारा छठ महापर्व पर यात्री सुविधा, सुरक्षा और सुगम रेल परिचालन के लिए क्या तैयारी की गई है, इस पर भी नीतीश कुमार को विस्तार से जानकारी दी गई। जानकारी के मुताबिक मुलाकात के दौरान CM नीतीश कुमार ने दिवाली और छठ पर्व के मौके पर रेल यात्रियों की भीड़ देखते हुए ज्यादा से ज्यादा स्पेशल ट्रेन चलाने की बात कही है ताकि त्योहारों पर बाहर से आने वाले लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो। अफगानिस्तान के अर्थव्यवस्था मामले को प्रमुख मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अखुंद ने गुरुवार को ईरान से अपने चाबहार बंदरगाह के माध्यम से व्यापार के लिए आसान पहुंच प्रदान करने का आग्रह किया। बरादर के कार्यालय ने कहा कि रणनीतिक रूप से स्थित चाबहार बंदरगाह अफगानिस्तान को कम समय और लागत के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जुड़ते हुए नई व्यापार और परागमन साझेदारी स्थापित करने में सक्षम बनाता है। चाबहार बंदरगाह को भारत ने विकसित किया है। इसको विकसित करने का उद्देश्य भारत को मध्य एशियाई देशों और अफगानिस्तान के साथ साथ यूरोप के साथ भी कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना था। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिन लुंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और PM मोदी आर्थिक सुधारों की दिशा में काफी प्रगति कर रहे हैं। उन्होंने भारत और चीन की आपस में तुलना भी की है और कहा है कि भारत की आबादी अभी युवा है जबकि चीनी आबादी इसके विपरीत है और कम हो रही है। 8 नवंबर 2023 को ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम गाला डिनर में सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिन लुंग ने ब्लूमबर्ग के प्रधान संपादक जॉन मिकेल थवेट के साथ एक बातचीत की। इसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। पाकिस्तान में भारत विरोधी आतंकवादियों का धीरे धीरे सफाया हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में अज्ञात लोगों ने लश्कर ए तैयबा के कमांडर अकरम गाजी को गोली मारकर हत्या कर दी। पिछले एक सप्ताह में यह दूसरी हत्या है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार अकरम खान उर्फ गाजी 2018-2020 के बीच लश्कर के लिए आतंकवादियों की भर्ती करने में टॉप रैंक हासिल कर चुका था। पिछले 2 वर्षों में कई बैंचों में कश्मीर घाटों में घुसपैठ करने वाले कई आतंकवादियों को कट्टरपंथी बनाने के लिए भी जिम्मेदार था। इसराइल का दावा है कि उसके आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने हमास के रॉकेट हमलों को बड़ी संख्या में नाकाम कर बहुत सी जानें बचाई है। हालांकि हमास के कुछ रॉकेट इस आयरन डोम सिस्टम को चकमा देने में कामयाब रहे। ये रॉकेट जहां गिरे वहां उन्होंने भारी तबाही मचाई। इसराइल की ही तरह भारत का भी पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी मुल्कों से तनाव है। सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चीन और पाकिस्तान से बचने के लिए भारत इसराइल आयरन डोम से भी कहीं ज्यादा प्रभावी एयर डिफेंस सिस्टम को बना रहा है। भारतीय अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को प्रोजेक्ट घोषणा दिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने सूचना के अधिकार के जवाब में कहा है कि निर्धारित समय सीमा से पहले आधार कार्ड से लिंक नहीं होने के कारण कुल 11.5 करोड़ पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिए गए हैं। पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा इस साल 30 जून को समाप्त हो गई थी। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक RTI जवाब में कहा गया है कि भारत में 70.24 करोड़ पैन कार्ड धारक है और उनमें से 57.25 करोड़ ने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर दिया है। आगे कहा गया कि 12 करोड़ से अधिक पैन कार्डों को आधार से नहीं जोड़ा गया है जिनमें से 11.5 करोड़ कार्ड निष्क्रिय कर दिए गए हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के मौजूदा दौर में भाजपा और कांग्रेस द्वारा मैदान में उतारे गए उम्मीदवारों में महिलाएं 12% से भी कम है। यह संसद द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक में निर्धारित 33.33% के महत्वाकांक्षी लक्ष्य से काफी कम है जो अगली जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया के बाद लागू होंगे। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 5 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम की 679 सीटों में से भाजपा ने 643 और कांग्रेस ने 666 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है जिनमें से भाजपा ने केवल 80 और कांग्रेस ने 74 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। द कन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए दबाव बनाने और लंबे समय से चली आ रही अपनी शिकायतों से अवगत कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांगा है। देश भर में 12 लाख सेवारत और 8 लाख सेवानिवृत्त अर्धसैनिक बल के कर्मचारियों द्वारा कई विरोध प्रदर्शनों और व्यापक असंतोष के बाद पिछले कुछ वर्षों में OPS की मांग में तेजी आई है।
देश भर के लगभग 1300 जेलों में बंद कैदियों और उनसे मिलने वालों को आधार प्रमाणीकरण से गुजरना पड़ सकता है, जो कैदियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और पहचान से संबंधित धोखाधड़ी को रोकने के लिए गृह मंत्रालय की एक पहल है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर उनसे जेल के कैदियों और उनसे मिलने आने वालों के आधार प्रमाणीकरण करने के लिए कहा गया है, ताकि कैदियों की सुरक्षित हिरासत को मजबूत किया जा सके और साथ ही आधार संबंधित लाभों के वितरण सुनिश्चित की जा सके, जिससे कि वो होता है। विदेश मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान का नियंत्रण रेखा पर हाल ही में संघर्ष विराम का उल्लंघन और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गोलाबारी की घटनाएं द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन है। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बृहस्पतिवार को पाकिस्तान रेंजर्स की अकारण गोलीबारी में सीमा सुरक्षा बल के एक हेड कांस्टेबल की घायल होने के बाद मृत्यु हो गई। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नुनू गोलू कुमार, गुड़िया कुमारी मौर्य, मोहम्मद सकीर हुसैन, अनवर करीम खान, मोहम्मद फहीम, धनंजय कुमार, नौसुद अंसारी। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, अब तक बने बिहार के सभी मुख्यमंत्री में आपके पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन है? जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।